हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका टेक्निकल टेक विद शिवम की एक और नई वीडियो में। मैं हूं शिवम चौधरी और आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं सेल्फ ड्राइविंग कार्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे कि सेल्फ ड्राइविंग कार्स क्या होती हैं, क्या इनका स्टेटस चल रहा है अभी और क्या होने वाला है इनका फ्यूचर में। तो अगर आपको जाना है तो वीडियो को स्टार्टिंग टू एंड ज़रूर देखिए। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेल्फ ड्राइविंग कार्स क्या हैं। दोस्तों, एक तरीके की टेक्नोलॉजी आप कह सकते हैं कि जिसकी मदद से क्या है, आपकी जो नॉर्मली व्हीकल्स हैं जैसे कि कार हो गई, आपकी और भी कोई बसेस या फिर कोई नॉर्मली व्हीकल, सिंपली एक व्हीकल आप समझ लीजिए जो बिना किसी ड्राइवर के चले। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि इसके नाम से पता, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, इसका मतलब खुद से चलने वाली गाड़ी। जी हाँ दोस्तों, इसमें क्या होता है, नॉर्मली कुछ सेंसर्स लगे रहते हैं, कुछ नहीं काफ़ी सेंसर्स लगे रहते हैं जो एनालाइज करते हैं कि आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है और किस तरीके से उन्हें अभी क्या, मतलब अपने जो भी डिसीजन से खुद से ही लेते हैं कि अभी लेफ्ट जाना है राइट जाना है। नॉर्मली आप उन पर लोकेशन सेट कर सकते हैं उनके पैनल पे और उसके बाद वो नॉर्मली आपको जिस जगह पे जाना है उस जगह पे आपको छोड़ देगा, वो भी बिना किसी एक्सीडेंट के। ऐसा ये लोगों ने सोचा, साइंटिस्ट ने सोचा, काफ़ी रिसर्चर्स ने सोचा और बड़ी बड़ी कंपनियाँ जैसे कि आपको पता है टेस्ला, ऊबर, ये सारे इनमें अपना मतलब पूरा सहयोग दे रही हैं ताकि हमें जल्दी से सेल्फ ड्राइविंग कार्स की टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाए पूरी वर्ल्ड में, हर जगह पे, इंडिया हो, यूएसए हो, कोई भी जगह। ठीक है, तो यही है सेल्फ ड्राइविंग कार्स। इसी तरीके से नॉर्मली ये काम करती हैं। एआई का काफ़ी ज़्यादा इसमें यूज़ है, जैसे कि आपको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि मशीन्स खुद से अपने डिसीजंस लेती हैं, जिसमें खुद से काम करती है। तो इसमें भी एआई का बहुत बड़ा काम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें भी बहुत ज़्यादा यूज़ होगी सेल्फ ड्राइविंग कार्स के अंदर। काफ़ी गूगल भी है, गूगल ने काफ़ी पहले इस पर काम स्टार्ट कर दिया था और आज से नहीं, काफ़ी पहले से इस पर काम चल रहा है ताकि हमें जल्दी से सेल्फ ड्राइविंग कार्स की टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाए। आखिर क्यों हम इसका यूज़ कर रहे हैं, थोड़ा सा हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। असल में क्या हो रहा है, जैसे कि आपको पता है कि एक्सीडेंट्स नॉर्मली लोग कोई अपनी गाड़ियाँ चलाता है, कोई वहाँ पे, अगर आप गाड़ियाँ चला रहे हो तो ह्यूमन ब्रेन इतनी जल्दी कोई डिसीजन नहीं ले सकता। अगर सामने से अभी कुछ आ रहा है, इधर से कुछ आ रहा है, एकदम से उसे नहीं पता रहता कि अभी यहाँ से क्या आएगा, वहाँ से क्या आएगा, नहीं ना। लेकिन सेल्फ ड्राइविंग कार्स को ये पता चल सकता है। जी हाँ दोस्तों, जीपीएस लोकेटर, काफ़ी ज़्यादा सेंसर उसमें लगे रहते हैं, लेडार सेंसर, और काफ़ी मतलब एआई का ही इसमें पूरा यूज़ है। और टेक्नोलॉजी आज की बात हो रही है, जी हम 21st सेंचुरी की बात करें जिसमें टेक्नोलॉजी आपको पता है कोई ऐसी वैसी नहीं है, काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है। तो क्या हो रहा है कि अगर आसपास अगर सेल्फ ड्राइविंग कार तो उसे सेंस कर लेगी, एनालाइज कर लेगी कि हमारे आसपास अभी यहाँ से ये हो रहा है, इस रोड पर अभी ये हो रहा है, कहाँ पे कितना जाम है, अभी कौन सा रोड हमारे लिए सेफ रहेगा, तो खुद से डिसीजन लेके आपको उस जगह पे ले आएगी। तो उससे क्या हुआ, एक्सीडेंट्स के जो केस हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है, अभी कुछ ही महीने पहले इसका टेस्टिंग चल रही थी और उसमें एक ड्राइवर की मौत हो चुकी थी। जी हाँ दोस्तों, क्या हुआ था कि वो सेल्फ ड्राइविंग कार के मतलब टेस्टिंग के लिए वो भी बैठा हुआ था और सेल्फ ड्राइविंग कार ऑटोमेटिकली चल रही थी, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे दी, लेकिन अचानक से उस कार का एक्सीडेंट हो गया। तो देख सकते हैं, मतलब है अभी धीरे धीरे टेस्टिंग चल रही है तो थोड़ी बहुत तो यार तो बुरी चीज़ें भी होगी, लेकिन हाँ काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो गए हम। नॉर्मली ऐसा तो है कि वो कार रेडी हो रही हैं धीरे धीरे और आने वाली कुछ ही सालों में जी हाँ दोस्तों, कुछ ही सालों में हमें ये देखने को मिल जाएंगे हमारे आसपास की सड़कों पर। ऊबर इसका यूज़ क्या कर सकते हैं, ऊबर से हम ऊबर का, क्योंकि क्या है कि उसे ड्राइवर्स काफ़ी पहुंचने में दिक्कत होती है यहाँ से, क्योंकि उसे अपने पैसेंजर, अपने कस्टमर्स को क्या करना है कि सही जगह पे, सही टाइम पे उसे पहुंचा देना, क्योंकि इंडिया में काफ़ी लोग ऐसे हैं जो अभी भी व्हीकल अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या करते हैं कि उन्हें व्हीकल से या तो चलाने नहीं आती या तो वो अच्छी नहीं लगती उन्हें, बस नॉर्मली ड्राइव करना अच्छा नहीं लगता, तो वो नॉर्मली ऊबर, ओला, इन सब का मतलब मदद लेते हैं और अपने ट्रांसपोर्ट को मतलब करते हैं। तो बहुत ही अच्छी बात है, ऊबर भी इसका यूज़ करेगा, ओला भी इसका यूज़ करेगा और आने वाले टाइम पे तो हो सकता है कि हर जगह पे हमें सेल्फ ड्राइविंग कार्स ही देखने को मिले, सेल्फ ड्राइविंग टैक्सीज देखने को मिले, तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। और अब बात करते हैं कि अभी इसका स्टेटस क्या चल रहा है। अभी ये जैसे कि मैंने आपको बताया टेस्टिंग में चल रही है, गूगल, टेस्ला, ये सारे इन सब की टेस्टिंग कर रही हैं, काफ़ी जल्दी हमें देखने को मिल जाएंगे सेल्फ ड्राइविंग कार्स। और फ्यूचर में मैं कहूँ तो यार सिर्फ इन्हीं का यूज़ होगा, क्योंकि आपको बताइए कोई भी काम धीरे धीरे क्या हो रहा है कि ह्यूमन बीइंग धीरे धीरे आलसी होते जा रहा है, कोई भी काम खुद नहीं कर रहा है। तो जैसे कि बोले स्मार्टफोन्स आ गए हैं, घर बैठे बैठे पहले क्या होता था, चिट्ठी भेजते थे लोग, अब क्या करते हैं व्हाट्सएप कर देते हैं चुटकियों में,
सामने वाले को उसका मैसेज मिल जाता है, पढ़ लेता है वो मैसेज को। इसी तरीके से धीरे धीरे टेक्नोलॉजी से हमारा काम काफ़ी ज़्यादा आसान भी होते जा रहे हैं, तो हो सकता है सेल्फ ड्राइविंग कार्स भी हमें फ्यूचर में देखने को मिले और हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बात। वीडियो में इतना ही, अगर आपको अच्छी लगी तो उसको लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि उन्हें भी सेल्फ ड्राइविंग कार्स के बारे में पता चल पाए। कमेंट में बताइए अगर कोई भी आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड या किसी और टॉपिक से रिलेटेड, तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए टेक इन्फॉर्मेशन की वीडियोस लाता रहता हूँ, टेक्नोलॉजी फैक्ट्स भी लाता रहता हूँ और काफ़ी टेक से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूँ। अगर आपको जानना है तो मेरे को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मेरा एक और दूसरा चैनल है जिसका नाम है शिवम की खूबी, जी हाँ दोस्तों, उसको भी सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। वो मतलब एक अलग चैनल है, एंटरटेनमेंट चैनल, उसमें मैं काफ़ी अलग अलग वीडियोस डालूंगा। अभी तो मैंने इतना कुछ काफ़ी कुछ आइडिया सोचे हैं, तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। बस यार, इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं कौन है और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू सून। Till my shadow turns to sun rays.